नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 7 न्यूज। कानपुर नगर के गल्ला मंडी नौबस्ता द्विवेदी नगर में बना ऑर्किड हॉस्पिटल, जिसके संचालक ने पीआरओ के रूप में कार्य करने वाले अपने ही रिश्तेदार के बेटे विनय शर्मा को पहले तो हीरो बनाया। संचालक ने बोला कि विनय शर्मा हॉस्पिटल का हीरो है, लेकिन बाद में विनय शर्मा की छवि को धूमिल कर उसके ऊपर हॉस्पिटल के ही काम करने वाली महिला से बोलकर उस पर गलत आरोप लगाया और उसको हॉस्पिटल से निकाल दिया। इतना ही नहीं, कई जगह सोशल मीडिया में यह डाला कि विनय शर्मा किसी काम का नहीं, इसको किसी अस्पताल में ना रखा जाए, ये चरित्रहीन है। इस तरह बोल विनय की छवि को धूमिल किया। विनय शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि मेरी छवि धूमिल हुई है, मैं खाना नहीं खाया, मैं कई दिन तक तनाव में रहा। और इतना ही नहीं, विनय शर्मा ने बिदनू थाने में प्रार्थना पत्र भी दिया कि अस्पताल संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, अगर मैं गलत हूँ तो इसका साक्ष्य दिखाकर मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं यह महिला अपनी मित्र को आगे कर मेरे ऊपर गंदे आरोप लगाता है। हॉस्पिटल का संचालक जो कि विनय शर्मा ने मीडिया को यह बातें बताया कि जब वह हॉस्पिटल संचालक से संवाददाता ने फोन पर बात की तो संचालक अजय शर्मा ने बताया कि मेरे ऑर्किड हॉस्पिटल में आशा बहू द्वारा मरीज को लेकर कुछ बात विनय शर्मा से हुई, तभी मैंने इसको निकाला। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विनय शर्मा है। विनय जी, अभी जो कुछ दिन पहले एसोसिएशन ग्रुप में डाले गए थे आरोप, लगे थे कि आप ऑर्किड हॉस्पिटल में आपत्तिजनक में पकड़े गए, चोर हैं, क्या सच्चाई है इसमें? सर, इसमें सच्चाई तो कुछ नहीं, अब उन लोगों ने ऐसा किया ये गलत बात है, और ऐसा कुछ नहीं। हमारी जो फैमिली का मैटर था, हम कोशिश मतलब ये कर रहे थे कि हमें हॉस्पिटल से निकलना है और ये लोग निकलने नहीं देते थे, फिर भी मैंने कहा कि काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने काम छोड़ा तभी इन लोगों ने मुझे ये सब कुछ बना दिया कि आप चोर हो, ये है, मेरे मुंह पे नहीं बोला लेकिन इन्होंने ग्रुप में डाला और सब सारी बातें की, इसलिए हमें बहुत तकलीफ़ उन लोगों से मिली है। आज भी मतलब कुड़ कुड़ के हम जीतते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। एक टाइम था कि मैं वहाँ से वर्क करके आता था तो मुझे पवन शर्मा कहते थे कि विनय शर्मा हमारे ऑर्किड हॉस्पिटल का हीरो है, और अगर बंदा एक महीने मान लो उनको हॉस्पिटल में काम नहीं करता तो क्या बंदा वो चोर हो जाएगा? अगर मैं 3 साल से वहाँ पे वर्क कर रहा था तब मुझे क्यों चोर नहीं बनाया गया था? जब मैंने छोड़ने का नाम लिया तो आप मुझे चोर कैसे घोषित करते हैं? अगर मैंने किसी के साथ छेड़छाड़ की है तो उस बंदे को मेरे सामने पेश किया जाए। कौन लड़की है, कौन स्टाफ है जिसके साथ मैंने ये गलत कार्य किया है? अच्छा, जो आरोप लगे थे, कितने दिन आप तनाव में रहे? सर, मैंने कम से कम 1 हफ्ते नींद नहीं ली, और रोटियां जो खाते थे आधी रोटी, 1 रोटी से ज़्यादा मैंने खाना नहीं खाया। इसमें जैसे कुछ दिन बताते हैं इनके आशा बहुएं भी आती हैं, तो कहाँ की, किस सीएससी की आती, कौन कौन आती है? सर, ये पतारा से तो कोई नहीं आता है, मतलब ये बिधनू के लोग हैं, जो बिधनू से दिक्कत करते हैं वही लोग हैं, ये सब समस्याएँ खड़ी करते हैं। अब वहाँ तो बहुत सारी आती हैं, सर नाम कैसे लिया जाए ये गलत तरीका है। तो हो सके तो मेरी जो मजबूरी है, जो मेरी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जाए और इनको एक अच्छा सबक सिखाया जाए ताकि ये दूसरे के साथ ऐसा गलत ना कर पाए। इससे पहले भी कहीं इन्होंने आरोप लगाया, बहुत सारे लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं इन्होंने, और खुद का चरित्र बहुत ही घटिया है, चाहे अजय का हो, चाहे पवन शर्मा का हो, सबके घटिया नेचर हैं। बस मैं कभी किसी के साथ पकड़े गए? हाँ, पकड़े गए, बिल्कुल पकड़े गए हैं।